चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे आज के वीडियो में बहुत सारे टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करेंगे Realme 3012 के स्टेबल अपडेट्स के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे Realme के एस एडिशन के अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे Realme के एंड्रॉयड 13 और Realme 4.0 अपडेट के बारे में। तो वीडियो में बहुत कुछ बातें होने वाले हैं, बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको इस तरह के अपडेट्स की न्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड में बेल नोटिफिकेशन को ऑल में क्लिक करना, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और देख लेते इतने सारे न्यूज़ जो आप लोगों को देना है या फिर नंबर सीरीज़ के बारे में बात करना है, सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर सीरीज़ के 3.0 अपडेट के बारे में। दोस्तों इस मंथ के जो नंबर सीरीज़ के अंदर 3.0 का स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं उसी के बारे में। यहाँ पे Realme 8 Pro में आपको इस मंथ Realme 3012 का एक और स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। Realme 8S 5G के अंदर आपको इस मंथ एक और स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा Realme की तरफ से। साथ ही साथ Realme 8i के अंदर भी आपको इस मंथ Realme की तरफ से एक और स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। Realme 8 4G एंड 5G दोनों डिवाइस के अंदर आपको अक्टूबर 2022 में Realme 3012 के एक और स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। Realme 7 के अंदर भी आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा यूजर्स को देखने को मिल भी गया है, और बहुत से यूजर्स बाकी, आपको डरने की कोई बात नहीं है, इस मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। 7 Pro के बारे में बात करें तो 7 Pro के अंदर भी आपको इस मंथ जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। Realme 9i 5G के अंदर तो ऑलरेडी स्टेबल अपडेट रन कर रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स था। 9i के अंदर भी आपको जो है 4G जो है उसके अंदर आपको इस मंथ स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus, Realme 9 5G इन डिवाइस के अंदर आपको इस मंथ Realme की तरफ से जो है Realme 3012 का स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो सारे अपडेट्स है आपको OTA फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकता है Android 12 और Realme 3012 अपडेट्स के। पहले अगर बात करें इस एडिशन के अपडेट के बारे में, तो एंड्रॉइड 12 और इस एडिशन का जो अपडेट है, मतलब जो Realme 3.0 का लाइटर वर्जन है, ओनली 3 डिवाइस के अंदर आपको जो है ये अपडेट देखने को मिल सकता है। Realme C31, Realme C35 एंड R50 प्राइम, जस्ट इन तीनों डिवाइस के अंदर ही आपको इस एडिशन और एंड्रॉइड 12 का जो लाइटर वर्जन अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज पहले यहाँ पे बात करें इस एडिशन और एंड्रॉइड 12 अपडेट के बारे में, तो ओनली Realme C31, C35 एंड R50 प्राइम, इन तीनों डिवाइस के अलावा कोई भी डिवाइस के अंदर आपको इस मंथ Realme YS एडिशन और Android 12 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, ये क्लियर है, ठीक है। तो आपको इस जस्ट इन तीनों डिवाइस के अंदर आपको जो है S एडिशन और Android 12 का अपडेट देखने को मिलेगा, जो इस मंथ आपको दोबारा से देखने को मिलेगा, रोल आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नज़र बनाए रखना, जब भी आए तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। पहले अब बात करें 4.0 एंड्रॉइड 13 अपडेट के बारे में, तो इस मंथ आपको नंबर सीरीज़ के अंदर जो है एंड्रॉइड 13 के अपडेट जो है Realme के देखने को मिलेगा। ओनली 9 सीरीज़ के जो डिवाइस है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 9i 5G, Realme 9 Pro 5G या 9 Pro Plus 5G, साथ ही साथ Realme GT Neo 3T, इन चारों डिवाइस के अंदर आपको इस मंथ जो है अक्टूबर मंथ में Realme UI के तरफ से एंड्रॉइड 13 के जो अपडेट्स है वो देखने को मिलेगा। ये एलेक्सा एप्लीकेशन जो है ओपन होगा, और बहुत ही जल्दी ओपन होगा, जब भी ओपन हो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चैनल पर ज़रूर नज़र बनाए रखना। तो ये ओनली चारों डिवाइस अगर आपके पास है, इन चारों में से एक भी, तो आपकी डिवाइस अब बहुत लकी हो, क्योंकि आपके डिवाइस में इस मंथ जो है एंड्रॉइड 13 के एलेक्सा अपडेट जो है वो आने वाला है। दोस्तों यही था वीडियो, आज हमने बात करी Realme 3.0 के अपडेट्स के बारे में, OTA अपडेट्स के बारे में, Realme 3.0 Android 12 बेस करके और स्टेबल अपडेट के बारे में भी, न्यू स्टेबल अपडेट, इस एडिशन के अपडेट और Android 13 के अपडेट। तो इसी तरह के धमाकेदार न्यूज़ आपको हमारे चैनल पे रोज़ देखने को मिलेगा, इसलिए आपको सिर्फ ओनली फ्री है सब्सक्राइब कर रखती है, जब भी मिले अपडेट मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। यही था वीडियो, मैं मतलब एक और नए वीडियो के साथ, तब तक लेकर।